Hey my beautiful viewers, welcome to Empty Kitchen. आज मैं बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल सेवैयाँ डेजर्ट की रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखिए यहाँ पे ली हूँ मैं एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है एक टेबलस्पून उतना घी, और घी को अच्छे से यहाँ पे पिघलने के लिए छोड़ देते हैं। और घी भी अच्छे से यहाँ पे पिघल चुकी है। यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ 1/4 कप उतना सेवैयाँ, जिसे हम यहाँ पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है घी में। हमें यहाँ पे बहुत नहीं रोस्ट करना है, थोड़ा सा ही हमें यहाँ पे अच्छे से घी में भून लेना है। लगभग 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से यहाँ पे इस सेवैयाँ को भून लेना है। और देखिए यहाँ पे अच्छे से भून भी चुके हैं, और मैं यहाँ पे इसे निकाल कर एक साइड में रख लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैं आज इसी वेनिला एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून उतना, बाद में ऐड करेंगे हम। और देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक कढ़ाई ली हूँ, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर उतना दूध डाल लिया है। हमें यहाँ पे एक बार दूध को अच्छे से उबाल आने के लिए छोड़ देना है। और देखिए मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून उतना कस्टर्ड पाउडर और थोड़ा सा पानी डालकर स्लरी भी बनाकर एक साइड में रख ली हूँ, और दूध को भी अच्छे से एक बार उबाल आने के लिए छोड़ देते हैं। और दूध भी अच्छे से यहाँ पे पक चुका है, देखिए उबाल भी आने लगा था, और अच्छे से मैंने यहाँ पे मिक्स भी कर लिया है। और इसी में ही यहाँ पे हम थोड़े से केसर के धागे ऐड कर देते हैं। एक बार हम यहाँ पे अच्छे से मिला लेते हैं, और इसी में ही मैं यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून उतना वेनिला एसेंस, जिससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है। आप भी हो तो ज़रूर ऐड करें। आज मैं यहाँ पर ली हूँ 1/3 कप उतनी चीनी। चीनी आप यहाँ पर अपने मीठे के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और देखिए इसी तरीके से हमें यहाँ पे चीनी अच्छे से पिघल जाने चाहिए, तब तक इसी तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। चीनी भी अच्छे से यहाँ पे पिघल चुकी है, इसी में ही मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ अच्छे से भुने हुए सेवैयाँ। थोड़ा थोड़ा करके हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। सेवैयाँ डालने के बाद हमें यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से चलाते हुए पका लेना है। सेवैयाँ अच्छे से पकने के बाद हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड भी ऐड कर देना है। हमें कस्टर्ड की स्लरी को आखिर में ही ऐड करना है। सेवैयाँ सब अच्छे से पक जाने चाहिए, उसके बाद में ही ऐड कर देना है। और अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करते हुए 1 मिनट तक पका लेना है। हमें यहाँ पे लगातार चलाते हुए पका लेना है, वरना लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए आप भी 1 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका लें। और देखिए 1 मिनट तक मैंने अच्छे से यहाँ पे पका लिया है, और गैस के फ्लेम को हम यहाँ पे ऑफ़ कर देते हैं और अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए अच्छे से यहाँ पे ठंडा हो चुका था, मैं यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर लेती हूँ, और इसे फ्रिज में हम यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और देखिए अच्छे से यहाँ पे ठंडा भी हो चुका है, एक बार अच्छे से हम यहाँ पे मिला लेते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने 2 कटोरे ले ली हूँ, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून उतना सब्ज़ा सीड्स। 1 टेबलस्पून उतना सब्ज़ा सीड्स मैंने पानी में भिगने के लिए छोड़ दिया था, और कटोरे में हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून उतना सब्ज़ा सीड्स ऐड कर देना है। और सेवैयाँ कस्टर्ड को भी इसी के ऊपर से डाल देते हैं। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स, बनाना, आप यहाँ पर अपने हिसाब से फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अनार। मैं यहाँ पे इतने ही फ्रूट्स ली हूँ, आप यहाँ पे अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और इसी के ऊपर से हम यहाँ पे फिर से सब्ज़ा सीड्स डाल देना है, और सेवैयाँ कस्टर्ड को भी। देखिए इसी तरीके से हम यहाँ पे भर कर डाल देना है। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इसी के ऊपर से थोड़े से अनार के दाने और टूटी फ्रूटी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, आप भी एक बार ज़रूर बनाकर खाएं, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। अगर आपको मेरी बनाई हुई सेवैयाँ डेजर्ट की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एमटी किचन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, क्योंकि ऐसी बढ़िया बढ़िया सी वीडियोज़ जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सकें।